नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, मेरी गारंटी है। अरे डाई लगाते हैं कि नहीं जैसे? ए वन टू, जय माता दी। मैं धक्का दूँ आगे? जय माता दी। कूद कूद कूद। खुद में दो किलो धान की देखना, बोट को धक्का। देखो जरा फिर इसके एक्सप्रेशन देखो ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविंद्र सेवन व्लॉग्स एंड नाउ वी आर ऑल सेट फॉर स्कूबा डाइविंग एंड ओवर प्लास्टिक की कंट्रोल। यार मतलब इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ना कभी भी समुद्र में कूड़ा मत डालो, जो भी कूड़ा है वो सिर्फ बोट के अंदर रखो। क्या ये रिलैक्स हो पड़ी थी वहां पे, किसी की रिलैक्स हो, तैर रही है यहाँ पानी में, रह गई रिलैक्स हो। ये तो बाटा था। और ये पानी देखो कितना साफ है, पूरी नीचे की सतह दिख रही है। तो यार मतलब ना ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपको मुंह से ना इसको नहीं निकालना है, और ये मतलब एक बंदा पूरा स्टिल है, और अब भी आपको शायद इसमें देखने को तो नहीं मिलेगा बट आप सोचो कि समुंदर में पानी कितना खारा होता है, और इस बंदे ने बीच में जाके अपना ऑक्सीजन मास्क फूंक करके बाहर निकाल दिया। फूंक करके ये बाहर निकाला, पता है क्या हुआ था? उन्होंने कहा था कि जब नीचे जैसे जाओगे ना तो ईयर्स पे ना प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, एयर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपको क्या है कि नोज से उस प्रेशर को मेंटेन करना है। और मैंने ऊपर सिखाया था कि वो कैसे मेंटेन करना है, इन्होंने नोज से जो है फोर्सफुली बाहर को एक्सपायर किया। मैंने नोज पे प्रेशर लगाया, और ये मुंह नहीं खोलना होता, जिन्होंने भी स्कूबा डाइविंग की होगी वो जानते होंगे। मैंने नोज पे प्रेशर लगाया, मेरे ना मुंह खुल गया, और मुंह खुलते ही ऑक्सीजन वाला पंप बाहर, और पूरे मुंह में खारा का खारा पानी, और फिर ऊपर निकल गया, गालियां निकाल रहे हैं। किसको? बंदे को। नहीं यार ऐसा तो नहीं है बट यस यार मेरा बहुत एक्सपीरियंस। और इसके बाद मैं तो यार बिल्कुल चिल, मतलब आपको दोनों की वीडियो में ना डिफरेंस देख के समझ आ रहा होगा कि कौन सहमा सा था और कौन चिल था। मतलब इसमें ना आधी वीडियो मिसिंग है, वो हमने उसका सर नहीं फोड़ा एक्चुअली स्कूबा वाले का, मतलब उसने प्रॉमिस कुछ और किया था। जो लोग भी गोवा जाएंगे ना प्लीज पैकेज में ये चीजें कंफर्म करना, क्योंकि आपका ना कटता बहुत ज्यादा है वहाँ पे, पैसे भी और वो भी। हाँ तो मतलब तो मतलब मैंने यार मैं इससे नीचे पूरा, ये इतनी मतलब ज्यादा चिल्ड थी, कई बार मछलियां आके खुद इनके पास खड़ी हो रही थी, मैम यू आर लुकिंग सो प्रीटी, मतलब नीचे पूरा नीचे तक जाके आई थी जहाँ पे स्टोन थे ये वो, पर पानी का प्रेशर वहाँ इतना ज्यादा था और कानों में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया था। और फिर हमने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस किया जाए, और इससे अगले वाली जो क्लिप होगी उसमें होंगे हम कपल कपल वीडियो। वो बंदे ने बेचारे ने यार उनको कॉलर से पकड़ के लाके खड़ा कर दिया साथ में। और इसके बाद मैंने मतलब नीचे जाना था जब वो, तब मैं देख रही हूँ कि अरुण का अरुण अपना अंगूठा दिखा के ऊपर पहुंच गया हुआ है पानी के नीचे। उन्होंने कहा था अंगूठा अप की तरफ करना, इसका मतलब है कि अब आप झेल नहीं पा रहे, ऊपर जाना है। हाँ। और मतलब हाथ से जीरो बना के रखना जैसे मैंने बना रखा है बार बार, तो मतलब कि ओके कि मैं ठीक फील कर रहा हूँ। पर यार जैसे ही कानों में दर्द शुरू हुआ उसने कहा नाक से प्रेशर दो, नाक से प्रेशर दिया, मुंह से निकल गया। और ये उपासना मछलियों के साथ खेलते हुए कैसा लग रहा था उपासना? मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरे को, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ मेरे को ना शुरू में लगा मछलियाँ फेंक है, फिर बाद में ऊपर आने के बाद दिमाग लगाया कि उधर से खाना छोड़ रहे थे तो इसलिए मछलियाँ आके आसपास घूम रही थी। और पता क्या है, मैंने बहुत कोशिश की पकड़ने की पर हाथ में नहीं आई वो। पता क्या है मेरे को लग रहा था लेंसेज जो हम ये यूज करते हैं ना वो दूर को भी पास दिखा रही थी बहुत ज्यादा, मतलब। सो दैट वाज आवर एक्सपीरियंस ऑफ स्कूबा डाइविंग, सो इट वाज वेरी अमेजिंग वन। ठीक है तो उपासना एज यूजुअल लाइक यार मैं ज्यादा देर रही तो मान लेते हैं। अरे जैसा कि वो होता है ना कि माना कि लेट अस अज्यूम, तो यार ये वहाँ पीछे स्कूबा डाइविंग हो रही है एंड मेरे को लग रहा है कि इतना नीचे डाल रखा था, ज्यादा नहीं डाल रखा था ये भाई, पता नहीं ऑटोमेटिकली तेरे नाम वाला स्टाइल बन गया। तो यार स्कूबा डाइविंग के बाद बैठे हैं अब, और जो एक्टिविटीज़ है वो करनी है। कानों में मतलब पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा अभी भी, लेकिन यार क्या मस्त व्यू है देख रहे हो। वैसे तो 24 घंटे में बहुत ही खूबसूरत व्यू लेके साथ चलता हूँ अपने, ठीक है। सहने वाले से पूछिए कि दर्द होता क्या है, आप तो बस वक्त है गुजर जाएगा बोल देते हैं।
जंप। अरे कूद नहीं मरेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अरे कूद ना, अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100-100 की शर्त पे नहीं मरेगी। अरे कूद जा यार, ये बात होगी। एक बार कूद, एक यहाँ रखे ना। हाँ, अरे 100-100 की, 100 रुपए की शर्त नहीं मरेगी। अरे कुछ नहीं होता, ये कोई आ रहा है क्या ऊपर? और ये 100 रुपए की शर्त मैंने इसलिए लगाई है, मर गई तो कौन से देने पड़ेंगे, और अगर जिंदा रही तो मेरे पे मिलेंगे। ये तो निकाल दो, ये अरे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ मेरी गारंटी है। अरे डाइव लगाते हैं कि नहीं जैसे? ए वन जय माता दी, मैं धक्का दूं आगे। जय माता दी, कूद कूद कूद, जय हो। ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, आराम से आराम से आराम से स्टेबल। अरे हाथ मत हिलाइए, हाथ मत हिला, इजी। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, जान ले ली। इधर देखो, कुछ हुआ? कुछ हुआ? और ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जंप करके, जंप करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कहाँ थी जंप में। और ये बता, खुद जंप नहीं करेंगे अब? जंप किया मैंने, मेरे को गोता ओए पति को पैर से लगाते वेरी गुड। ये देखो, मेरा लाइफ जैकेट लीक हो रहा है यार, नीचे फिश। अरे फिश क्या है यहाँ, देखने की हिम्मत नहीं हो रही नीचे, कह रही यहाँ पैरों, यहाँ पे पैरों तक से जमीन खिसक गई, तुम कह रही फिश। दबाओ मत यार, मेरे को दबा रही हो, घर थोड़ी है, पानी में कहीं कहीं जा रही हूँ। इतना तुमने मेरे को दबाओ मत, मेरे को पता नहीं पानी उधर को क्यों लेके जा रहे हैं। देखो अभी भी मैं बोट के नीचे जा रही हूँ। आसान है, आओ ना, आ जाओ, छोड़ो। उपासना कह रही नीचे देखो यार, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है, कह रही है मेरी लाइफ जैकेट सही से काम नहीं कर रही, मेन काम नहीं कर रही। और एक तो ना उपासना पता, मेरे को बार बार दबाए जा रही है, घर हो गया क्या, घर में तो दबाया जा रहा है, घर में ही दबाए जा रहे हैं, पता है मेरे घर वाले मेरे अपने नहीं रहे, जो ननद है वो भी इसकी तरफ हो गई, पहले मेरी घर में सब सुनते थे, अब मेरी कोई नहीं सुनता, पहले घर वाले कुरकुरे का पैकेट ही मुझसे पूछ के लेके आते थे, अब तो मेरे कपड़ों पर भी मेरा हक नहीं रहा, मेरी नाव जा रही है। अब सही है, अब मेरे को समझ आया, बॉडी इज स्टेबल, स्टेबल रिलैक्स, दबाना नहीं है, इजी इजी, नहीं नहीं इतना भी इजी नहीं, और मैं पलट रही हूं। अरे ऐसे कैसे पलट जाओगे, बातें थोड़ी हैं, सरकार के वादे थोड़ी हैं, चलो इजी। पता क्या हुआ, अभी ना हम सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो इनका ये हाथ आ गया बीच में, तो मेरे को कह रहे उपासना मेरे को खून बून आ गया, मैंने कहा ये देखना रखो ना हाथ, चक्कर आ गए ये नौटंकी। तो यार बाय बाय, यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा स्कूबा डाइविंग का। अब हम जा रहे हैं बीच पे, वहाँ पे फिर से पैरा सेलिंग और बनाना राइड होगी, वो इसलिए दोबारा की जा रही है क्योंकि मैंने इनकी वीडियो अच्छी बनाई थी, बट इन्होंने मेरी अच्छी नहीं बनाई, इसीलिए नहीं करवा रहे भाई, वो पैकेज में था, सस्ता पड़ रहा था, ठीक है तो मैंने कहा एक बार और कर लेते हैं।
फिर उसके बाद अभी फिर बनाना राइड एंड देन आफ्टर दैट मोटर बाइक जो है जेट स्की भी सब करेंगे सारी कर देंगे आज ठीक है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पैरा सेलिंग करने ठीक है, लेकिन इस बार की जो पैरा सेलिंग है वो डिफरेंट है। चलो 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 इस बार जा रहे हैं डबल डबल। हमने अभी तक स्कूबा डाइविंग कर लिया है, पैरा सेलिंग कर लिया, अब उसके बाद जो दो तीन एक्टिविटीज और बची हैं, लेकिन मैम थक गए हो, लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, थोड़े थोड़े से चेहरे की हंसी। हाँ और वो वहाँ पे पीछे एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं और भी, तो अभी वो सारी करेंगे। सुनो क्यों नहीं, ये वैसे नहीं करवाएंगे, ये तो वो हैं, वो देखो कहाँ कहाँ पे बच्चे वो कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं तो। अरे कैसी बात कर रहे, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। वैसे तो तुम्हें बड़ा शौक था बाबू बनने का, अब बाबू नहीं बनना तो करवा के तो रहूँगा मैं, डर तो निकालना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, डर के आगे जीते उपासना। और ये कर सकते हो आप, पता है, यू कैन डू इट, कर सकते हो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तुम्हारे मेरी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए। सब्र के बाद अब अरुण की बारी है, आ जाओ आ जाओ, आई अरुण अरुण वे 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 अरुण साइड हो जाओ, चलो पीछे आ जाओ। अरे ये 1 2 3 डॉक्टर उपासना बोरा, ये डर रही है, ये ना पक्का डर रही है वो रोने लग रही है, ये पक्का डर रही है। ओ, 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 डर। चेहरे पे डर नहीं, मैं भी बहुत बार किया, हाँ रोज करती हूँ, रोज बहुत बड़ी टाई डाई, रोज कह रही रोज करती हूँ, yes. उत्तम नगर से लेकर नजर करते जेट स्की करते हुए जाते हूँ भाई साहब। दिल टूटा है कई बारी, बहुत बार भाई, 7-8 बार इन सांभ के रख दिया मैं दिन से रात सवेरे, भाई एक नंबर की बना देना, बंदे की बोट नहीं जा रही थी, खुद में चाहे जान नहीं है, 2 किलो भार नहीं है, वहाँ बोट करा रहे खुद में 2 किलो जान नहीं सकना, बोट को धक्का, देखो जरा फिर इसके एक्सप्रेशन देखो ये
नहीं हुआ ठीक है। इसमें बाहुबली का म्यूजिक लगा दूंगा पीछे फिर देखना तो। खाना भी नहीं, सोने भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम। जाओ कितना लोग है अभी, जाओ ना यार। तैयारी आपने हमारा देखा स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके बाद पैरासेलिंग का। आप लोग बताना कि सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको ये वाला जो व्लॉग है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड मतलब गोवा में अगर आप कभी भी जाओ तो स्कूबा डाइविंग वगैरह के पैकेजेस वगैरह लो, मतलब एक ना अच्छा सा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब आप इन्जॉय करते हो, ठीक है, आप सारी टेंशन वगैरह भूल के। सो स्टे ट्यून्ड, आगे आने वाले व्लॉग्स और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं।